हमारा आज का टॉपिक है बेटा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपो मीन्स विदाउट, एपो मीन्स कल हमने बताया था आप लोगों को, एपो मीन्स होता है बेटा विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स मिक्स होना। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लो इसको एक तरह से, है ना। लेकिन ये मिमिक्री करता है बेटा, मतलब नकल करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, मिमिक्री मतलब नकल करना, तो कॉपी करना, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये कॉपी करता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के इम्ब्रियो बना देता है। ठीक है, समझ में बात आई। अब होता क्या है बेटा एपोमिक्सिस में, कि ये है ओव्यूल, ठीक है, ये इंटेगुमेंट है, ये है ओव्यूल, ये इंटेगुमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें जो न्यूसिलस के सेल्स हैं बेटा, ये जो न्यूसिलस के सेल्स हैं ना, ये क्या है, न्यूसेलस, न्यूसेलस का सेल क्या है, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है। डिप्लॉयड है, और जायगोट भी डिप्लॉयड होता है। तो ये जो न्यूसेलस का सेल है बेटा, कोई भी एक सेल या दो सेल, कभी कभी तीन भी, कभी कभी चार भी, समझ रहे हो, ये क्या करता है कि जायगोट के जैसा बिहेव करने लगता है, समझ रहे हो। एक सेल कोई भी इसमें का, न्यूसेलस का, अपने आप नेचुरली भी होता है जायगोट के जैसा बिहेव करने लगता है। मतलब सेल ऑफ न्यूसेलस बिहेव लाइक जाइगोट एंड फॉर्म इम्ब्रियो। अब जब इम्ब्रियो बना लेगा बेटा, तो बाकी का न्यूसेलस कॉटिलेडन बना लेगा, ठीक है, और यही पूरा ओव्यूल देन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। समझ गया, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना एग फॉर्मेशन के, ऐसे ही अपने आप। तो इसमें मियोसिस नहीं हुई है, मियोसिस नहीं हुई है तो मिक्सिंग नहीं हुई है, ठीक है। मतलब एपोमिक्सिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में है ये, लेकिन ये मिमिक्री करता है, नकल करता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड, ठीक है ना, ये एक दो या तीन भी हो सकता है, सेल लिख सकते हो या सेल्स लिख सकते हो, एक सेल या बहुत सारे सेल्स। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स दैट हैज एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्लियर, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। सीड को बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड, ठीक है। एस्टेरेसी फैमिली में और ग्रासेस में ये बहुत ज्यादा
कॉमन होता है ना। ऑनियन में भी होता है, ग्राउंड नट, कभी कभी मैंगो में भी, लेमन में भी, ऑरेंज में भी, ये सब में अपने आप एपोमिक्टिक सीड बन सकते हैं। क्लियर? इट इज लाइक पार्थेनोजेनेसिस, बिल्कुल। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या है और इसमें क्या डिफरेंस क्या है बेटा? पार्थेनोजेनेसिस में एग डेवलप होता है और इसमें पूरा सोमैटिक सेल मतलब न्यूक्लियस वही डेवलप हो गया। ठीक है, क्लियर? अब लिखिए, डायग्राम बना लिया तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, एनिमल्स एंड प्लांट बोथ पार्थेनोजेनेसिस। हाँ बिल्कुल सर, आपने नोट्स नहीं भेजे ग्रुप में, भेजे तो थे निशान, चलो आज भेज दूंगा मैं। सर इस चैप्टर के नोट्स भेज देना स्नेहा, चलो भेज देंगे। गुरलीन या और कोई क्लास में है जिसका साफ साफ नोट्स हैं? साफ नहीं, जिसका नोट्स कंप्लीट हो, ऐसा कोई बच्चा है जिसका बढ़िया नोट हो? योगेश साफ साफ लिखे हो? योगेश साफ लिखे हो ना? ठीक है, तो केवल योगेश भेजेगा। गुरलीन के साफ साफ हैं, चलो गुरलीन और योगेश दोनों भेज देना, बाकी और लोग मत भेजना, तो कई बहुत सारे व्हाट्सएप हो जाएंगे। कंप्लीट है राइटिंग टूटी है, ठीक है, गुरलीन और योगेश दोनों आप लोग भेज देना। ठीक है, और कोई बच्चा नहीं भेजेगा फिर? नहीं तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, मैं फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? अब लिखो, पहला पॉइंट लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। नेक्स्ट पेज पे चलूं मैं? नेक्स्ट पेज पे चलूं? लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स क्या विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा सीड जिसमें कि इम्ब्रियो भी हो, है ना, दैट हैज एन इम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसमें क्या है, क्या हुआ है, इन दिस सम सेल्स ऑफ न्यूसेलस बिहेव लाइक जाइगोट एंड फॉर्म एम्ब्रियो सीड्स आर कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड्स सीड्स को बोलते हैं, है ना, और ये एक्चुअल में क्या है, मिमिक्री, इट इज अ मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है ना। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी, नेक्स्ट, सॉरी पॉली एम्ब्रियोनी तो छोड़ो, अभी बताया नहीं है ना। एग्जाम्पल लिख लो, फैमिली ऑफ एस्टरेसी, मिमिक्री मींस बेटा नकल करना, मिमिक्री मींस नकल करना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या बनता है, जायगोट बनता है, इम्ब्रियो बनता है, इसमें भी बन रहा है लेकिन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई गैमेट नहीं बना। ठीक है, लिखिए सम स्पीसीज, एग्जाम्पल सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी, फैमिली का नाम है, एंड ग्रासेस, मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन इन सम फैमिली लाइक एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। ठीक है, और ये नेचुरल होता है बेटा, ये नेचुरल फिनोमेना है, आर्टिफिशियल नहीं। ठीक है, क्लियर। इससे क्या फायदा हुआ, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ, लिख लिया ना यहां तक, कॉपी कर लिए, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस, ऑफ एपोमिक्सिस। सिग्निफिकेंस बेटा इसका यह है कि इसमें जैसे मान लो ये कोई प्लांट है और ये फ्लावर है, इसमें मेल गैमीट भी बनेगा और फीमेल गैमीट भी अगर बनेगा तो जो होमोलोगस पेयर होता है उसमें एलील्स, एलील्स बोलते हैं ना, एक जीन के दो फॉर्म को हम एलील बोलते हैं, तो एलील का सेग्रीगेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गैमिट्स बनते हैं, और इसमें एलील नहीं सेपरेट हो रहे हैं, मतलब जो वैरायटी हमारी बनी है वो कंटिन्यू रहती है, सीड्स भी बनाया जा रहा है, सीड्स बनने के बावजूद भी जो हमारी वैरायटी है बेटा वो क्या है, वो क्या है, सेव है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब कि हाइब्रिड विगर बोलते हैं उसको, हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर जानते हो किसको बोलते हैं, हाइब्रिड विगर का मतलब है, अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको और अच्छी तरह, कि अगर जैसे हमने दो वैरायटी को क्रॉस कराया जब प्रोजनी अच्छी हो, हाँ बिल्कुल, जब अच्छी प्रोजनी हो तो उसका जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है, क्योंकि एलील सेपरेट नहीं होते हैं, तो इस टेक्निक का यूज करके बेटा हम हाइब्रिड विगर को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, क्योंकि मियोसिस नहीं हो रही है,
क्लियर, ठीक है, लिखिए, वी कैन अवॉइड द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, लिखिए सिग्निफिकेंस में लिखो, वी कैन अवॉइड हाँ वी कैन अवॉइड द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, वी कैन अवॉइड द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इन द नेक्स्ट जेनरेशन, वी कैन अवॉइड द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इन द नेक्स्ट जेनरेशन by using the apomictic seed techniques, by the using of apomictic seed techniques, by the using of by using the apomictic seed techniques, so apomictic seed maintain hybrid vigor. So apomictic seed maintain hybrid vigor. अब रिपीट कर दूं बेटा, क्यों परेशान करते हो इतना स्लो? We can avoid the segregation of alleles in the next generation by using the good qualities. हाँ बेटा बिल्कुल वंशिका सही बात है, in the next generation by using the apomictic seed techniques. So apomictic seed maintain hybrid vigor. अब लिखो पॉली इम्ब्रियोनी धन्यवाद पानी है पॉली इम्ब्रियोनी क्या है? जब एक ही ओव्यूल में बेटा बहुत सा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो पॉली इम्ब्रियोनी का मतलब क्या, पॉली मीन्स मेनी, जब एक सिंगल ओव्यूल में मोर देन वन इम्ब्रियो बन जाए तो उसको बोलते हैं पॉली इम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन द सिंगल ओव्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन सिंगल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल में बहुत सारे, बहुत क्यों परेशान करते हो आयुष, छोड़ दो ना कैमरे को अभी, एक ओव्यूल में बहुत सारे अगर इम्ब्रियो बन जाएं तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, पॉली इम्ब्रियोनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अच्छा ये तीन तरह का होता है बेटा, पॉली इम्ब्रियोनी तीन तरह का होता है, पहले समझते हैं इसको। ये सपोज ठीक है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल में ये है बेटा न्यूसेलस, ये है इम्ब्रियो सैक,
ये क्या है? इम्ब्रियो सैक, ये है इम्ब्रियो सैक। और इम्ब्रियो सैक में ये है जाइगोट और ये है इंडोस्पर्म। ठीक है, ये इम्ब्रियो सैक है बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ये जो है रेड कलर वाला जो मैंने बनाया है, ये है नॉर्मल इम्ब्रियो। नॉर्मल इम्ब्रियो का मतलब ये है कि इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है। नॉर्मल इम्ब्रियो मैंने लिखा है। और ये जो है इंडोस्पर्म है, ये क्या है? इंडोस्पर्म। देख लो, ये इम्ब्रियो सैक है, 7 celled 8 nucleate था। रेड कलर वाला मैंने नॉर्मल इम्ब्रियो बना दिया और ये सारा कुछ क्या है? इंडोस्पर्म है। ये इंडोस्पर्म है ये सारा। ठीक है, और इसके बाहर ये क्या है? ये है न्यूसेलस। ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है बेटा, ये क्या है? न्यूसेलस। ठीक है, अब न्यूसेलस की कुछ सेल्स, मतलब यहां का न्यूसेलस जो है ये भी एक इम्ब्रियो बना लिया, यहां का न्यूसेलस है ये भी एक इम्ब्रियो बना लिया, यहां का न्यूसेलस है ये भी एक इम्ब्रियो बना लिया, यहां भी एक बना लिया, इसमें चार मैंने एक्स्ट्रा इम्ब्रियो बना दिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन जो जितने भी मैंने बनाए हैं, इसको क्या बोलेंगे? न्यूसेलर इम्ब्रियो। न्यूसेलर इम्ब्रियो, तो एक ही ओव्यूल में, एक सिंगल ओव्यूल में बहुत सारे इम्ब्रियो बन गए। बहुत सारे इम्ब्रियो बन गए क्या? इसी को बोलते हैं बेटा पॉली इम्ब्रियोनी। कॉपी करो तो जल्दी से। हाँ, साइड हो गया मैं। डन, बना लिए? ठीक है, अब लिखो, ये तीन तरह का होता है बेटा, तीन तरह का पॉलीइम्ब्रियोनी होता है। बैक कर दूं या कृति? जल्दी करो, सर अब फिर इसके एक सीड से मल्टी प्लांट्स अराइज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। करो करो जल्दी, कॉपी करो। हो गया यकृति बेटा? अब लिखो पहला, नंबर वन, टाइप ऑफ पॉलीइम्ब्रियोनी। टाइप ऑफ पॉलीइम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली इम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली इम्ब्रियोनी, ठीक है। इसमें लिखिए ड्यू टू क्लीवेज इन डेवलपिंग इम्ब्रियो, मतलब इम्ब्रियो में बेटा कभी कभी डिवीजन चल रहा है और वो अलग हो गए सारे, दो चार अलग अलग हो गए तो ढेर सारे बन जाएंगे। क्लीवेज इम्ब्रियोनी, ड्यू टू क्लीवेज इन
डेवलपिंग इम्ब्रियो ड्यू टू क्लीवेज इन डेवलपिंग इम्ब्रियो, इसका एग्जाम्पल है बेटा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स में क्लीवेज पॉलीइम्ब्रियोनी होता है। दूसरा है सिंपल पॉलीइम्ब्रियोनी, सिंपल पॉली इम्ब्रियोनी। सिंपल में क्या है लिखिए, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग। कभी कभी ऐसा भी होता है, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग, इन ब्रैकेट केस। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इन ब्रैकेट लिखो, लिखो तो मैं और समझाता हूं अभी। मोर देन ब्रैकेट में लिखना है, मोर देन वन मेल गैमिट, मोर देन वन मेल गैमिट और पोलन ट्यूब, इंटर इन इम्ब्रियो सैक, एंड फर्टिलाइज्ड विद एनी हैप्लॉयड सेल्स, दैट इज एंटीपोडल सेल्स, ब्रैकेट क्लोज। मतलब या तो कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा होता है, ब्रेसिका में ऐसा होता है ज्यादा, तो क्या होता है बेटा, पोलन ट्यूब मान लो एक से ज्यादा अंदर आ गई, या तो मेल गैमिट कई सारे आ गए, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो है दूसरे हैप्लॉयड सेल्स है, जैसे कि एंटीपोडल सेल्स है तीन है, उससे फर्टिलाइज हो गया तो बहुत सारे इम्ब्रियो बना लेगा। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल लिख लो इसका, ब्रेसिका, एंड थर्ड वन इज न्यूसेलर पॉली इम्ब्रियोनी। न्यूसेलर पॉली इम्ब्रियोनी का डायग्राम अभी हमने बनाया था, ठीक है, न्यूसेलर पॉली इम्ब्रियोनी का डायग्राम अभी अभी हमने बनाया था, ठीक है। लिखिए न्यूसेलर में लिखो, सर जी आप बहुत से हो, थैंक यू, ठीक है बच्चों लिखो, न्यूसेलर पॉली इम्ब्रियो, न्यूसेलर और सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट, कभी कभी समटाइम्स न्यूसेलर और समटाइम सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट्स,
न्यूसेलर और सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट्स बिहेव लाइक जाइगोट, बिहेव लाइक जाइगोट। और ये भी क्या है, मिमिक्री ही है, मिमिक्री है बेटा ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक एग्जांपल, ओपनसिया एंड सिट्रस, ओपनसिया सिट्रस एक्सेट्रा। सिट्रस फ्रूट बोलते हैं बेटा जो खट्टे होते हैं ना, उनमें जैसे कि लेमन वगैरह में बहुत मोस्ट कॉमन है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो विद स्टार या नोट करके लिखो, पॉलीएम्ब्रियोनी इज क्वाइट कॉमन इन, हाँ सिट्रिक एसिड, जिस एसिडिक फूड खट्टे फल जितने होते हैं उसमें ये मोस्ट कॉमन है, ये बात याद रखनी है आपको। पॉलीएम्ब्रियोनी इज क्वाइट कॉमन इन ऑनियन, पॉलीएम्ब्रियोनी इज क्वाइट कॉमन इन ऑनियन, ग्राउंड नट, मैंगो, लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। ऑनियन, ग्राउंड नट, मैंगो, लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा।